हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, 4:15 का टाइम होगा ये। और मॉर्निंग में उठ गई थी क्योंकि आज स्पेशल दिन है, तो कुछ खास दिन है, तो इस कारण जो होता है जब कुछ स्पेशल होता है ना कोई दिन, तो उस दिन जो है और काम भी ज़्यादा होते हैं, तो उस दिन और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो आगे पता चल जाएगा कि आज क्यों स्पेशल है दिन। और सुबह उठते ही सबसे पहले जो अपने घर की विंडो कर्टेन वगैरह होते हैं उनको खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो होती है वो बहुत अच्छी हवा आती है, तो अंदर कहते हैं ना वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, तो ताजगी हवा जो होती है ताज़ा होती है, तो इसलिए जो है विंडो वगैरह मैंने ओपन कर दी थी। और अब लग गई थी अपने जो मॉर्निंग के साफ़ सफाई के काम पे, तो वही है डस्टिंग वगैरह की थी, झाड़ू लगाई थी। बच्चे अभी सो रहे थे यहाँ पे, उनको नहीं उठाया था, और बच्चों के पापा जी भी, तो फटाफट से ये मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था मॉर्निंग में ही, क्योंकि आज घर में होनी है पूजा, और पूजा होनी है साथ में मुझे जो है खाना भी बनाना है, तो इस कारण ना मैं जल्दी उठ गई थी। तो फिर बस यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले मैंने कहा सफाई कर लूँ, उसके बाद नहा जाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही थी पोछा, तो पोछे को ना मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से ना बैठ के लगाऊँ, क्योंकि कहते हैं कि बैठ के पोछा लगाने से अच्छा ठीक रहता पेट, मतलब ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे जो है मॉर्निंग, फिर मैं नहा कर आ गई थी, और अब यहाँ पे मैंने खीर जो है खीर बनानी थी, तो चावल साफ़ करके भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पे जो पूजा होनी है, तो पूजा की सामग्री जो है ये पिछले दिन लेकर आ गई थी, तो वहाँ पे मैंने टेबल पे रख दी थी, ताकि कोई भी सामान जो है वो इधर उधर ना हो जाए, और सारा सामान जब ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे पूजा भी कर ली थी, पूजा करके अपना जो मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का अपना रूटीन है, तो चली गई थी। तो ये सारी तैयारियाँ आज इसलिए हो रही है क्योंकि आज है मेरे बड़े बेटे ईशान का जन्मदिन, तो आज है 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को उसका बर्थडे होता है। तो सारी प्रिपरेशन जो भी मैं कर रही हूँ ना मॉर्निंग से, वो उसकी बर्थडे की हो रही है। और यहाँ पर वो नहाकर भी आ गया था, तो यहाँ पे बस फिर बच्चे जो है वो अपना पैर छू रहा है और आशीर्वाद ले रहा है। और अब यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं। और हो गई है पूरी प्रिपरेशन, तो ये बना रही हूँ पकौड़ी, दाल वाली पकौड़ी। तो हम उत्तराखंड के जो होते हैं ना लोग, वो जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम इस तरीके से होता है, पूजा पाठ, तो दाल की पकौड़ी जरूर बनती है। और ये धुली उड़द होती है, तो रात को भिगो के रख दी थी, अभी पीसा है इसे, अब बस अब पकौड़ियाँ बनाती हैं। और ये रख बना दी है मैंने खीर, और साथ में बनाए यहाँ पे ये हैं छोले, आलू शिमला मिर्च की जो सब्जी है वो बनाई है सूखी फ्राइड सी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, यही थोड़े सी आइटम है, और आटा गूंथ के रख दिया। तो अगर पूरी बनानी होगी, क्योंकि कुछ लोग पूरी पसंद करते हैं, तो जैसा पंडित जी अगर पूरी पसंद होगी तो पूरी बना दूंगी, अदरवाइज वो रोटी बना दूंगी। और आज फिर से मैंने अपनी साड़ी पहनी थी, तो अच्छी लगती है मुझे साड़ियाँ। और बस यहाँ पे फिर जो है वहाँ पे रूम में जो है मैट वगैरह बिछा दी है, ये दिए भिगो के रख दी थी, क्योंकि ना दियों को ना जब भी लाओ नए दियों को, तो पानी में इस तरीके से भिगो देना चाहिए, तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा तेल नहीं सोखते, तो इसलिए उनको भिगो के रख दिया था। हरि ओम महानमः शुद्धं नमः शुद्धं ओम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इष्टायां ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ सप्तम्यायां चतुर्थौ आद्यतितौ यजमान बालकस्य जीवः क्या नाम है इसका प्रज्वल प्रज्वल है कुकृति नाम्नि बालकस्य कनिष्ठ भ्रातृगणस्य ओम जय 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 और पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी आज, बहुत अच्छा लग रहा था घर के अंदर जब इस तरीके से पंडित जी बहुत सारे मंत्र वो बोल रहे थे, तो उनमें से कुछ मंत्र तो हमें भी आते हैं, और अच्छा लग रहा था क्योंकि आज बहुत दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद हमारे घर में पूजा हुई थी, क्योंकि बीच में तो कोरोना टाइम था ना, तो उस समय तो घर में किसी का आना सब कुछ मतलब वर्जित था, तो इस कारण जो है इस तरीके से जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब पूजा पाठ ज़रूर करवाती हूँ बर्थडे वाले दिन। तो बस बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ पे खाना पीना सब हो गया था। और ये बाद के क्लिप है जब मैं बर्तन धो रही, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे आज।
और देखो हो गए हैं सारे काम, तो अब हुई है किचन क्लीनिंग एक तरीके से। तो सारे बर्तन धुल गए हैं और आज ना काफी सारे बर्तन थे, जितने बर्तन थे ना रैक के वो सारे निकालने पड़े, क्योंकि कहते हैं ना हम गढ़वालियों में कहावत है कि छोटी पूजा का भी उतका ही भांडा और बड़ी पूजा का भी उतका ही भांडा, मीन्स चाहे पूजा छोटी हो या बड़ी हो बर्तन तो हो ही जाते हैं ना। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, अच्छी लगी पूजा हो गई घर में। गया अपने पापा जी के साथ, क्योंकि भाई बच्चों का तो अपना ही होता है, जब तक केक कटिंग नहीं होगी ना तब तक उनको लगता है कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है। आज तो जो सुबह मैं 4:30 बजे से उठी थी ना, अभी तक नॉन स्टॉप मैं बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है, होता है ना एक उत्साह और एक जोश होता है किसी को काम करने का, और भाई अपने बच्चे का जन्मदिन हो तो उससे बड़ा खुश, उससे बड़ा अच्छा दिन और उससे बड़ा उत्साह वाला दिन तो एक माँ के लिए क्या हो सकता है ना। तो अपने आप ही जो होती है वो एनर्जी आ जाती है। और ये देखो बैलून फुलाने शुरू हो गए। यार हाथ दर्द कर गया मेरा, गीट बांध बांध ला, गीट में बांध कर देते मुझे, तो इसको फुला मुझे देता रहा फिर। और ये हम इसकी हेल्प करेंगे अब बैलून फुलाने में। और ये देखो सारे बैलून फुला दिए भाई, ये देखो लड़मी दर रहे, देख ले शांति मिले कितनी जल्दी फुला दिए। तो बैलून लग गए हैं, देखो हो गई है वो, देखो पूरे डेकोरेशन हो गई रूम की, इधर भी कुछ बैलून इधर भी लगा दिए हैं, और ये भी, और ये हमारा टिम्मू मास्टर, हमारा पतला बच्चा, एक भी बैलून नहीं फुलाया, ओ बर्थडे बॉय देख रहा था कितने बैलून, नहीं नहीं दोनों ने फुलाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब यहाँ पे ईशान जो है वो केक कटिंग कर रहा था, तो साथ में टिम्मी महाराज जो है वो थोड़ा उसे मतलब उनकी मस्ती भी चल रही थी। और यहाँ पे देखा होगा ना उन्होंने जो है पूजा में येलो ड्रेस डाली है, क्योंकि ना ये ब्लैक ड्रेस वैसे वो बर्थडे के लिए लाया था, क्योंकि बच्चों की अपनी चॉइस होती है ना, तो वो ना ब्लैक कलर का ले आया थे। दोनों भाइयों ने कहा कि हम सेम जो है सेम कलर पहनेंगे, तो बट पूजा में जो है वो काला कपड़ा नहीं पहनते, तो इस करके जो है उनको पूजा के टाइम हवन के टाइम जब मॉर्निंग में मैंने उन्हें कहा था कि येलो ड्रेस पहन लो। और बस यहाँ पे अब केक कटिंग और जो फास्ट फूड होता है वो आज सारा बाहर से ही आ गया था, तो बस वहाँ पे अब हम सारे लोग बैठ के, उसके दादा दादी भी हैं, तो हम बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बस इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम। और हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, और उधर देखो अब हो रहा है स्कूल का सेलिब्रेशन, दोनों भाई अपना बैग पैक कर रहे हैं। खाली स्कूल है, 2 दिन छुट्टी के बाद स्कूल जाने का मन नहीं करता है, है ना, बिल्कुल भी नहीं करता है, किसी भी बच्चे का नहीं करता होगा। और ईशान अपना बैग पैक कर रहा है, तो स्कूल तो जाना है भाई, है ना, क्यों। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की कपड़ों में प्रेस करनी है, अभी बहुत सारे काम है। बस इस तरीके से जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छी मतलब पूजा जो हुई ना घर में बहुत अच्छी हुई। तो चलिए व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।